गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे फेबल के बारे में, जो कि शॉर्ट स्टोरी की एक टाइप है। तो फेबल जो है, इसकी अपनी एक बात जहन में रखनी है कि ये इनमें एंथ्रामॉर्फिक क्रिएचर्स होते हैं। अब एंथ्रामॉर्फिक क्रिएचर क्या होती हैं? तो इसकी बात ये है कि एंथ्रामॉर्फिक क्रिएचर बेसिकली ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। होते वो एनिमल्स हैं, लेकिन वो जो बोल रहे होते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, और वो सारी जो हैं एनिमेशन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन्हें हम एंथ्रामॉर्फिक करेक्टर्स कहते हैं, क्रिएचर्स कहते हैं। अब इसमें फेबल में हम मोस्टली इन एनिमल्स के थ्रू स्टोरी बता रहे होते हैं, कोई मोरल लेसन कन्वे कर रहे होते हैं, और मोस्टली ये जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो बच्चों को एनिमल्स वगैरह देखने का शौक होता है, और उनके थ्रू जब मोरल लेसन कन्वे किया जाता है तो उससे ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं, उनके माइंड में वो बातें बैठ जाती हैं। तो ये बेनिफिट होता है फेबल का। अब मोस्टली इस पे क्वेश्चन भी आता है कि लोग जो हैं एनिमल्स के थ्रू ही क्यों मोरल लेसन देते हैं, ह्यूमन के थ्रू क्यों नहीं देते। तो ये बच्चों के लिए स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अब आपको पता है कि हमने बचपन में स्टोरीज़ पढ़ा करते थे, जो है कवे की या फिर चलाव लोमड़ी की, तो ये सारे फेबल्स हुआ करते थे, जैसे कछुए और खरगोश की। ये कछुआ जो है वो खरगोश जो है वो गरूर करता है, तो इसमें हमने मोरल लेसन दिया कि गरूर का सर नीचा है। तो ये सारी फेबल्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरी की ही एक टाइप है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।